कॉमर्स ले तो ली, अब ट्वेल्थ के बाद क्या करें, बहुत कंफ्यूजन है। इतने सारे कोर्सेज हैं, CA, CS, CMA, CFA, BFIA, MBA, BCom Honors, BCom Program, बिल्कुल कंफ्यूज्ड हैं सर कि क्या करें। तो जी हाँ, आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं तीन कॉमर्स रिलेटेड कोर्सेज के बारे में, CA, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, CS, कंपनी सेक्रेटरीशिप एंड CMA, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। तो जी हाँ, अगर आपने चूज करा है कॉमर्स फील्ड और अगर आप बनाना चाहते हैं एक जबरदस्त सा करियर, तो दीज थ्री करियर ऑप्शंस कैन बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। वीडियो स्टार्ट करने से पहले डिस्क्लेमर दे देता हूं, बीकॉम ऑनर्स या बीकॉम प्रोग्राम करना मैंडेटरी है, इट विल बिल्ड अ प्लेटफॉर्म फॉर यू एंड देन उसके साथ साथ आप इन तीनों में से कोई भी कोर्स कर सकते हैं। हेलो एंड वेलकम गाइज, आई एम CA CS CMA निखिल गुप्ता। और जी हाँ, आज की इस वीडियो में जो मैं बार बार बोलता हूँ ना, CA CS CMA निखिल गुप्ता, इसके मायने समझाऊंगा और क्यों करी मैंने तीनों डिग्रीज साथ में, ये भी आपको बताऊंगा और बताऊंगा डिफरेंस क्या है CA CS और CMA में और कैसे आप चूज कर सकते हैं इन तीनों में से आप कौन सा कोर्स करें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो डिफरेंस जानते हैं CA CS CMA में होता क्या। स्टार्ट करते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी। तो जी हाँ, आपने सुना होगा सर 10-10 साल लग जाते हैं लोगों को सीए करते करते, कईयों की तो शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, और जी हाँ, बच्चे और माँ बाप साथ में भी सीए कर रहे होते हैं। एक ही एग्जामिनेशन हॉल में बेटा और बाप दोनों बैठ के सीए के एग्जाम्स दे रहे हैं। ये कोई मजाक नहीं है, ये कोई जोक नहीं है, सीए में एक्चुअली ऐसा होता है। वन ऑफ द टफेस्ट कोर्सेज विच द कंट्री हैज, वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग कोर्सेज विच द कंट्री हैज, बट यस इट ऑफर्स यू अ ग्रेट करियर। चार्टर्ड होता क्या है, बेसिकली अकाउंटेंसी। तो दोस्तों, जैसे जैसे बिजनेस का साइज बढ़ा, पहले होते थे बिजनेस छोटे, जैसे जैसे बिजनेस का साइज बढ़ा, जैसे जैसे वो मल्टी स्टेट होते गए, जैसे जैसे वो फॉरेन कंट्रीज में एक्सपेंशन होता गया, वैसे वैसे अकाउंटेंसी मतलब खाते लिखना, जैसे पहले के जमाने में कहते थे मुनीम जी, उनकी इंपॉर्टेंस बढ़ती चली गई। अकाउंट्स लिखना, उनको ऑडिट करना, उसका टैक्स का इंपैक्ट जानना, कॉस्टिंग से रिलेटेड चीजें जानना, इन सब के लिए एक प्रोफेशनल की जरूरत पड़ने लगी और वो प्रोफेशनल है चार्टर्ड अकाउंटेंट। खास बात यह है, चार्टर्ड अकाउंटेंट को मोनोपोली है स्टैट्यूटरी ऑडिट करने की। स्टैट्यूटरी ऑडिट क्या होता है सर? कंपनीज एक्ट कहता है हर एक कंपनी को जो हिंदुस्तान में इनकॉर्पोरेटेड है या फॉरेन कंपनी जो इंडिया में अपना काम कर रही है, उसको ऑडिट कराना मैंडेटरी है। मतलब उसको अपने अकाउंट्स को चेक करवाना है एक एक्सपर्ट से, और वो एक्सपर्ट कौन है, वो है चार्टर्ड अकाउंटेंट। चार्टर्ड अकाउंटेंट हैज द मोनोपोली टू डू स्टैट ऑडिट एज वेल एज टैक्स ऑडिट। तो इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग जो ऑडिट करने की एक अधिकार दिया गया है, जो सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को दी गई है। दैट इज द करियर और द प्रोफेशन नोन एज चार्टर्ड अकाउंटेंट। सर, इसकी स्टार्टिंग सैलरी हम कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो स्टार्टिंग सैलरी कैन गो अराउंड, इट कैन स्टार्ट फ्रॉम से 5 लाख रुपीज एंड कैन रेंज टू 15 लाख रुपीज। सर, इतना डिफरेंस क्यों? डिफरेंस है आर्टिकलशिप का। अगर आपने आर्टिकलशिप करी एक अच्छी जगह से, फॉर एग्जाम्पल द बिग फोर्स, KPMG, Deloitte, EY, तो आपको पैकेज थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा एज कम्पेयर टू अदर पीपल। एंड ऑफ कोर्स आर्टिकलशिप की भी बात अगर छोड़ दें, आपकी नॉलेज, आपके स्किल्स, इफ यू हैव द राइट नॉलेज, इफ यू हैव द करेक्ट स्किल्स, डेफिनेटली आपका पैकेज होगा ज्यादा। दिस इज आवर कोर्स नंबर 1, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, एंड कोर्स नंबर 2, कंपनी सेक्रेटरीशिप। तो भाई, कंपनी को बहुत सारी फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती है टू मेंटेन इट्स बुक्स, विच आर नॉट बुक्स ऑफ अकाउंट्स, दे आर सम डिफरेंट बुक्स। सर, डिफरेंट बुक्स मतलब कंपनी को अपने शेयर होल्डर्स का रजिस्टर रखना पड़ता है, मेंटेन करना पड़ता है, जहां सारे शेयर होल्डर्स के नाम होते हैं, किसको डिविडेंड मिला, किसको डिविडेंड नहीं मिला, ये सारी डिटेल्स होती है। प्लस कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू कैरी ऑन देयर जनरल मीटिंग्स। सर, मीटिंग्स क्या होती हैं? भाई, बोर्ड मिलके बैठ के डिसाइड करता है कि कंपनी का फ्यूचर कैसा होगा, क्या डिसीजन लिए जाएंगे, क्या करना है, क्या नहीं करना, ये सब मीटिंग्स में डिसाइड होता है। सिमिलरली शेयर होल्डर्स भी मीटिंग करते हैं। तो वो कौन है जो इन मीटिंग्स का ब्यौरा रखता है, वो कौन है जो इन मीटिंग्स में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या डिसीजन लिया गया, क्या नहीं लिया गया, कहां पर सबकी सहमति थी, कहां पर सहमति नहीं थी, वो कौन पर्सन है जो इन सब डिटेल्स को मेंटेन करता है, वो अगेन है कंपनी सेक्रेटरी। तो कुछ कंपनीज के लिए कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट करना मैंडेटरी है और कुछ कंपनीज के लिए नहीं। तो ये है प्रोफेशन कॉल्ड कंपनी सेक्रेटरी। सर, कंपनी सेक्रेटरी में ऑन एवरेज पैकेज कितना लग सकता है?
ऑलमोस्ट सिमिलर टू चार्ट अकाउंटेंसी, स्टार्टिंग फ्रॉम 5 लाख रुपीज अप टिल से 10 लाख रुपीज और 8 लाख रुपीज कैन बी योर स्टार्टिंग पैकेज इन अ कंपनी सेक्रेटरी प्रोफेशन. एंड डिग्री नंबर 3, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी. तो भाई फाइनेंस का एक बहुत पिक्यूलियर एलिमेंट होता है जिसे बोलते हैं कॉस्टिंग. सर ये कॉस्टिंग क्या होता है? अरे आप बाजार जाते हो ना मम्मी के साथ, तब आपकी मम्मी कहती है नहीं नहीं भैया ये वर्थ नहीं है इस चीज की जितना आप पैसा मांग रहे हो, बोलती है ना वो. तो ये वर्थ क्या होता है? वर्थ इज कॉस्टिंग, व्हिच मींस वो जो प्रोडक्ट बना हुआ है उसमें खर्चा कितना आया है बनाने में और दुकानदार आपसे चार्ज कितना कर रहा है. पता नहीं हमारी जो मम्मियां होती है ना वो जनजात सीएमए होती है, उनके पास सीएमए की डिग्री नहीं है बट वो सीएमए ही है. वो जब दुकानदार बोलता है सपोज 800 रुपए, उन्हें अपने आप एहसास हो जाता है कि इस चीज की कॉस्टिंग है 400 रुपए. तो जो मम्मी का एहसास है अगर इसे हम कोर्स में कन्वर्ट कर दें और एक कोर्स निर्धारित करें जो हमें ये बताए कि किसी एक प्रोडक्ट की, किसी एक सर्विस की, किसी एक चीज की एक्चुअल कॉस्ट मतलब लागत क्या है, लागत मतलब इसको बनाने में कितना खर्चा हुआ है, जो कंपनीज को वो लोग बताते हैं उनका नाम है CMAs या कॉस्ट अकाउंटेंट्स. देयर एंटायर फोकस इज ऑन कॉस्टिंग, देयर एंटायर फोकस इन इज ऑन कंप्यूटिंग द कॉस्ट एज वेल एज कंट्रोलिंग द कॉस्ट. अब इस कॉस्ट को रिड्यूस कैसे करना है ताकि प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज हो, ये किसका काम? कॉस्ट अकाउंटेंट्स का काम. अगेन स्टार्टिंग पैकेज कैन स्टार्ट फ्रॉम 5 लाख रुपीज, गो अप टिल 15 लाख रुपीज जस्ट लाइक चार्टर्ड अकाउंटेंट्स. एंड यस course is superb for the people whose costing efficiency is very good, jisko cost karne mein kisi cheez ka price determine karne mein ya iska cost kitna aaya ye sab agar calculations karne mein aapko maza aata hai then CMA can be for you. to sabse pehle to bata dun chartered accountancy aur CMA in dono ke andar jo subjects hain wo bahut zyada similar hain. subjects like taxation, accounting, costing, law, law mein bhi different types, corporate law, industrial law, general law, ये हैं बेसिक सब्जेक्ट्स जो आपको पढ़ने पड़ेंगे. जी हाँ टैक्सेशन दो तरह का दोनों ही कोर्सेज में पढ़ना पड़ेगा, डायरेक्ट टैक्सेशन एंड इनडायरेक्ट टैक्सेशन. इनडायरेक्ट टैक्सेशन मतलब GST, डायरेक्ट टैक्सेशन मतलब इनकम टैक्स. दोनों के कोर्स कंटेंट हैं सिमिलर, दोनों के सब्जेक्ट्स हैं काफी काफी सिमिलर, एक फेयर मिक्स है प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स का. जबकि अगर बात करें कंपनी सेक्रेटरी की तो वहां पर थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं थोड़े से ज्यादा. आपको लॉज पढ़ने पड़ेंगे, इकोनॉमिक लॉज, आपको लॉ पढ़ने पड़ेगा, रेगुलेशन जो स्टॉक एक्सचेंज में रेगुलेशंस होते हैं, क्या रेगुलेशन होते हैं जब एक कंपनी को लिस्टिंग करानी होती है अपने शेयर्स की, तब क्या रेगुलेशंस होते हैं, शेयर्स को इश्यू करने में क्या क्या फॉर्मेलिटीज हैं, दो कंपनी जब आपस में मर्ज हो रही है तो उसमें क्या क्या फॉर्मेलिटीज हैं, वो सब डिटेल में पढ़ाया जाता है कंपनी सेक्रेटरी प्रोफेशन. जी हाँ एज कंपेयर टू CA and CMA, CS के अंदर थ्योरेटिकल पोर्शन होता है थोड़ा सा ज्यादा, प्रैक्टिकल पोर्शन होता है थोड़ा सा कम. वहां अकाउंट्स पे इतना ज्यादा एम्फेसिस नहीं दिया जाता, वहां कॉस्टिंग पे इतना ज्यादा एम्फेसिस नहीं दिया जाता, वहां एम्फेसिस दिया जाता है लॉ पे. क्योंकि एज अ कंपनी सेक्रेटरी यू शुड बी अवेयर अबाउट व्हाट लॉज आर टू बी फॉलोड व्हाइल कंप्यूटिंग एनी लीगल फॉर्मेलिटीज फॉर अ पर्टिकुलर कंपनी. यह है डिफरेंस बिटवीन द स्ट्रक्चर ऑफ दीज 3 कोर्सेस. तीसरी चीज कंट्रोवर्शियल है थोड़ी सी. सर हमने तो जिसके मुंह से भी सुना है सिर्फ चार्ट अकाउंटेंसी का नाम सुना है. CMA जब किसी को बोलते हैं तो लोग पहचानते भी नहीं. CS को भी चार्ट अकाउंटेंसी के मुकाबले कम लोग जानते हैं. तो क्या इसका मतलब यह है कि चार्ट अकाउंटेंसी बहुत अच्छा कोर्स है और CS और CMA उतने अच्छे कोर्सेज नहीं है? नहीं, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं. देखो एक कहावत बताता हूं, जो दिखता है वो बिकता है. तो चार्ट अकाउंटेंसी इंस्टीट्यूट ने शुरू से ही अपनी विजिबिलिटी मार्केट में बहुत अच्छी बनाई है. उनके एडवर्टाइजमेंट्स, उनकी लाइजनिंग, उनका कॉर्पोरेट को जो सर्विसेज देते हैं वो सब बहुत स्ट्रांग था. उनका लॉबिंग टू द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, मिनिस्ट्रीज, वो बहुत स्ट्रांग था. शुरू से ही उन्होंने अपनी विजिबिलिटी बहुत ज्यादा अच्छी तरह बनाई जिसकी वजह से आज वो एक बहुत अच्छे एक इंस्टीट्यूट की तरह, एक बहुत रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट की तरह हमारे सामने खड़े हैं. इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि CS कोर्स या CMA कोर्स किसी भी तरह कम इंपॉर्टेंट है या किसी भी तरह वो कम अच्छा है. अच्छे तीनों हैं. इट डिपेंड्स ऑन योर प्रेफरेंस, आपको क्या चीज में इंटरेस्ट ज्यादा है. अगर आपको अकाउंटिंग में इंटरेस्ट ज्यादा है, जैसे देखो अगर आप 11 12th में तो आपने अकाउंटिंग, आपने बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स डेफिनेटली पढ़ लिया होगा तो यू आर अवेयर. अगर आपको अकाउंटिंग में इंटरेस्ट ज्यादा है, अगर आप टैक्सेशन अच्छे से करना चाहते हो, चार्टर्ड अकाउंटेंसी इज फॉर यू. बट अगर आपका इंटरेस्ट है कॉस्टिंग में, कॉस्ट टेक्निक्स में, तो कॉस्ट अकाउंटेंसी इज
फॉर यू, बट अगर आप कहते हो नहीं नहीं सर मुझे ना थ्योरी लॉज पढ़ने में बहुत ज्यादा मजा आता है, देन कंपनी सेक्रेटरी इज फॉर यू। र्यूमर्स से बिल्कुल दूर रहना। कई लोग कहते हैं सीएस करने के बाद जॉब नहीं मिलती, सीएमए करने के बाद जॉब नहीं मिलती, ये सच नहीं है। एक बात बताऊं, स्कोप बंदे में होता है, कोर्स में नहीं। तो सीएस का स्कोप नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन जो बंदा आपको बोल रहा है ना, उस बंदे में दम नहीं था कि वो सीएस करने के बाद एक अच्छी जॉब पा सके, इस वजह से वो आपको बोल रहा है कि सीएस में स्कोप नहीं है। मैं आपको ऐसे हजार केस दिखा सकता हूं जहां चार्टर्ड अकाउंटेंसी करने के बाद भी लोग अनएम्प्लॉयड रहते हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्किल्स। तो चाहे जो भी चूज करो, अपने स्किल्स को अच्छे से इंप्रूव करो, उन्हें अच्छे से पॉलिश करो, तभी जाके आप उस वाले प्रोफेशन में सक्सेसफुल रहो। सो द चॉइस इज एंटायरली योर्स। मेहनत तीनों में आपको इक्वल करनी पड़ेगी, लेकिन हाँ रिजल्ट बहुत जबरदस्त मिलेगा, जैसे कि मुझे मिला आफ्टर डूइंग सीए सीएस एंड सीएमए। सो आई वांट टू क्रिएट अ होलसम पैकेज फॉर मी। मैं चाहता था कि मेरे अंदर हर तरह का स्किल आए, ये रीजन था मेरा तीनों कोर्सेज को चूज करने का। जी हाँ, थोड़ी सी मेहनत ज्यादा लगी, लेकिन उसके जो रिजल्ट थे वो कहीं ज्यादा रूप में मेरे सामने आए। जरूरी नहीं है कि आप तीनों कोर्स करें, हाँ, अगर आपका मन है कोई दो कोर्स का कॉम्बिनेशन बनाने का, इट इज अ वेरी वेरी गुड आइडिया, क्योंकि एक तीर से दो निशाने हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल सी और सीएमए के कोर्स कंटेंट बिल्कुल सिमिलर है, तो अगर आपने एक बार पढ़ाई करी तो दो कोर्स आपके फ्री में हो जाएंगे, एक तीर से लग जाएंगे दो निशाने, वो भी आप एम कर सकते हैं। और अगर आप कोई भी एक चूज करना चाहते हैं, प्लीज गो अहेड एंड मेक अ वंडरफुल करियर इन फाइनेंस इन दीज थ्री पर्टिकुलर प्रोफेशंस। तो जी हाँ, ये थी आज की वीडियो ऑन थ्री मोस्ट कोवेटेड कोर्सेज ऑफ कॉमर्स सीएस सीएस एंड सीएमए। अगर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं और किसी कॉमर्स रिलेटेड कोर्स के बारे में, प्लीज कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड यस, अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, डू हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड वील मीट इन आर नेक्स्ट वीडियो।